काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही माँ अन्नपूर्णा का अनूठा दरबार है। स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से अन्न और धन की बरसात करती हैं। धनतेरस पर माँ के दरबार के कपाट 4 दिन के लिए खुलते हैं और माँ अन्नपूर्णा अन्नकूट पर भक्तों को श्री समृद्धि से आशीष भी देती हैं। महादेव के आंगन में सजे माँ अन्नपूर्णेश्वरी के दरबार की प्रतिष्ठा का अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि इसमें बाबा स्वयं याचक के रूप में खड़े हैं। मान्यता यह है कि बाबा अपनी नगरी के पोषण के लिए माँ की कृपा पर आश्रित हैं। इतिहास पर गौर करें तो बाबा विश्वनाथ के यहाँ वास से पहले ही देवी अन्नपूर्णा विराजमान हो चुकी थी। साल 1775 में जब बाबा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब पार्श्व भाग में देवी अन्नपूर्णा का मंदिर मौजूद था। माता की स्वर्ण प्रतिमा अपने आप में अनूठी है। रजत शिल्प में ढले शिव बाबा की झोली में अन्नदान करती अन्नदात्री की कमलासन पर ठोस सोने की मूर्ति व दाई ओर माँ लक्ष्मी और वाम भाग में भूदेवी की भी स्वर्ण प्रतिमा विराजमान है। माता के इस स्वरूप का साल में 4 दिन दर्शन होता है और इस उत्सव के दौरान धान के लावे बतासा संग माँ का खजाना वितरण करने की परंपरा है। मान्यता है कि जिस किसी भी भक्त को माँ का खजाना मिल जाता है उसकी किस्मत चमक जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव ने काशी में अन्न धन के लिए माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। यूं तो माँ की रजत प्रतिमा के साल भर दर्शन मिलते हैं लेकिन धनतेरस से अन्नकूट तक 4 दिन माँ के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन मिलते हैं, जहाँ गर्भगृह में माँ अन्नपूर्णा के साथ श्री भूमि जी और श्री लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। सामने खुद देवों के देव महादेव भिक्षा मांगते नजर आते हैं। काशी की पौराणिक मान्यता भी यही है। माँ अन्नपूर्णा अन्न की अधिष्ठात्री देवी हैं। यही कारण है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ खजाने के रूप में मिलने वाले लावा को रसोई में रखने से कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और सिक्कों को तिजोरी में रखने से हमेशा सुख संपन्नता बनी रहती है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। 4 दिन में लाखों भक्त माँ के दर्शन करते हैं जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। इस बार कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क को अनिवार्य किया गया था। यहाँ दर्शन के बाद कई महिलाओं ने बताया कि इस प्रसाद को अपने घर में रखने मात्र से ही सुख संपदा साल भर घर में बनी रहती है। मान्यता है कि माँ के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन प्राप्त कर लेने से ही प्राणी का जीवन सफल हो जाता है। काशी की मान्यता है कि माँ यहाँ किसी को भूखा नहीं रहने देती है, इसलिए पूरी दुनिया से धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक भक्त माँ का दर्शन खजाना पाने यहाँ आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धर्म जगत से जुड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।